हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर कैसे एड्रेस को चेंज किया जाता है और आपको इसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना हो तो वो कहाँ से ऐड होता है। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे सर्विसेज के टैब में। सर्विस में आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आप आएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड के अंदर। नॉन कोर में आपका प्रमोटर पार्टनर से रिलेटेड जो भी चेंज होते हैं वो चेंजेस इसके अंदर होते हैं। बैंक डिटेल्स, HSN कोड, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन कोर फील्ड में चेंज होती हैं। कोर फील्ड में आपका एड्रेस चेंज होता है। हमें फ़िलहाल यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है तो हम कोर फील्ड के अंदर जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब में। आप सबसे नीचे आएंगे, ये आपका पुराना एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपका पहला जीएसटी नंबर था। अब इसमें आपको चेंज करना है तो सबसे पहले नीचे आप इसे आके एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट करने के बाद आप इसे रीसेट एड्रेस पे कर देंगे। ये आपका रीसेट हो गया, ब्लैंक हो गया। आप अपने यहाँ पर नया एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपना नया एड्रेस टाइप कर दिया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस, ये आपका क्या नेचर है, आपका खुद का है तो उन पर सेलेक्ट करेंगे। रेंटेड है तो रेंटेड पे, लीज़ पे लिया तो लीज़ पे। फ़िलहाल मेरा ये खुद का है तो मैं उन पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहा हूँ इसमें। ये चार चीज़ों में आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल करके ऐसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको रीज़न टाइप करना है आप किस वजह से आप प्लेस ऑफ बिजनेस अपना चेंज कर रहे हैं, तो आपको रीज़न टाइप करना है यहाँ पर। मैंने अपने यहाँ पर रीज़न लिख दिया है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है किस डेट से आप अमेंड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने डेट भी टाइप कर दिया है। उसके बाद आप फिर सेव पे क्लिक करेंगे। आप सेव करने के बाद आप नीचे आएंगे, आपको इसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी ऐड करना है तो आप इसे यहाँ से ओके करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। आप इसके बाद आप करेंगे सेवन कंटिन्यू पर। सेवन कंटिन्यू करने के बाद आप आएंगे इस अगले पेज पे आएंगे। आपसे पूछेगा आपको कितने एडिशनल प्लेस यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर आपको एक करना है तो एक लिख दीजिएगा, दो करने हैं तो दो कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे को यहाँ पर एक ऐड करना है तो ऐसे मैं इसे ऐड न्यू करके जो मेरा नया एड्रेस है प्लेस ऑफ बिजनेस का, एडिशनल प्लेस का, वहाँ पर मैं नया एड्रेस यहाँ पर ऐड कर दूँगा। मैंने यहाँ पर एडिशनल प्लेस का नया जो एड्रेस है वहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा, अपना फ़ोन नंबर टाइप कीजिएगा। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आप आगे आएंगे। सेम उसी तरीके से ये मेरा रेंट पे है तो मैं यहाँ पे रेंट पे सेलेक्ट करके यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ। जो सवाल करेंगे ऐसे, मैंने यहाँ पे इसे रेंट एग्रीमेंट लगा दिया है। उसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या, आपका नेचर है होलसेल बिजनेस है, मेरा यहाँ पर रिटेल है, जो आपका जिस तरह के प्रकार का बिजनेस है वो आपसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से जैसे पहले आपने रीज़न लिखा था, यहाँ पर भी रीज़न आपको टाइप करना है। मैंने अपने यहाँ पर रीज़न लिख दिया है। अब डेट ऑफ अमेंड किस डेट से मेरे को अमेंड करना है वो डेट भी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। फिर आएंगे हम सेवन कंटिन्यू पर। मैंने सेव कर दिया, ये आपका एड्रेस मेरे को दिख रहा है जो आपने एडिशनल प्लेस यहाँ पर ऐड किया है वो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। आप इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आप वेरिफिकेशन कर देंगे। आप प्लेस अपने यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। आप इसे EBC और DLC दोनों से सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं EBC यहाँ पे सबमिट करके से दिखा रहा हूँ। जो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पे या फिर मेल आईडी पे, दोनों पे OTP गया होगा, OTP डाल के आप इसे वैलिडेट OTP क्लिक OTP कर दीजिए। मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। जैसे ही OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करूँगा मैं, ये मेरा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद कुछ समय बाद मेरे पास इसका AR नंबर मेरे फ़ोन पर और मेल आईडी दोनों पर आएगा, उससे मैं अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ। वो स्टेटस कैसे चेक करते हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सर्विस में, फिर रजिस्ट्रेशन में, फिर आप आएंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर। आपके पास जो AR नंबर आया होगा आपने जो अमेंड किया है, वो AR नंबर यहाँ पर टाइप करके से आप सर्च पर क्लिक कीजिए। आपके पास नीचे की स्क्रीन आएगी, उससे आपको पता लग जाएगी आपने जो अपने अमेंड किया है GST पोर्टल पर उसका स्टेटस क्या है। आप इसे सबमिशन पीरियड से भी सिलेक्ट कर जाके चेक कर सकते हैं आपने किस डेट से किस डेट के अंदर डाला था। वहाँ पे आप टाइप करके सर्च करेंगे, जितने भी आपने अमेंड किए होंगे वो डेट आ जाएगी। जो आपका जिसका स्टेटस चेक करना है उस पर आप क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। GST पोर्टल पर आप किसी भी प्रकार का अमेंड करते हैं तो इसी प्रकार से आप उसे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।